उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में गिनी चुनी जो सीटें चर्चित हैं उसमें घोसी पार्लियामेंट भी काफी चर्चा में है। घोसी पार्लियामेंट क्यों चर्चा में है, उसका कारण है सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के पास यह सीट है। यही एकमात्र सीट है जो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को भारतीय जनता पार्टी ने दिया है, और इस घोषित सीट पे सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर के सुपुत्र डॉक्टर अरविंद राजभर चुनाव मैदान में हैं। डॉक्टर अरविंद राजभर अपनी पार्टी के चुनाव चिन्ह छड़ी पे चुनाव लड़ेंगे, लेकिन प्रचार उन्होंने अभी शुरू कर दिया है, धुआंधार मेहनत कर रहे हैं। आज घोसी पार्लियामेंट के रसला विधानसभा के कुछ गांवों में उन्होंने सघन जनसंपर्क किया। इस वीडियो में आपको हम बताने जा रहे हैं कि डॉक्टर अरविंद राजभर ने आज कहां कहां दौरा किया और जनता ने उनको जवाब किस तरह से दिया। नमस्कार साथियों, बीबीटी चैनल में आपका स्वागत है। आइए साथियों विस्तार से बताते हैं। राजभर ने आज लगभग आधा दर्जन गांवों का दौरा कर लिया है। आज वो रसला विधानसभा के तमाम गांवों में गए। जिन गांवों में गए खासकर वही गांव थे जो राजभर समाज से संबंधित गांव थे, और राजभर समाज में जिस तरह से उनका स्वागत हुआ उसको देख के लगता है कि घोसी पार्लियामेंट की रसला विधानसभा में राजभर समाज में उनकी पार्टी और डॉक्टर अरविंद राजभर ओम प्रकाश राजभर की पैठ और इज्जत बहुत काफी है। जन समूह टूट पड़ रहा था, सभी उनका माला लेके स्वागत कर रहे थे। आज कई गांवों में उन्होंने जनसंपर्क किया। कोटवाली मोड़ पे जब वो पहुंचे तो सैकड़ों की संख्या में पहले से भारतीय जनता पार्टी एवं सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के कार्यकर्ता और समर्थक वहां मौजूद थे और अपने इस प्रत्याशी का स्वागत किया। प्रत्याशी के साथ साथ ये सारे समर्थक भी जनसंपर्क में निकले और लोगों से मिलजुल रहे थे और बताया कि डॉक्टर अरविंद राजभर अगले लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी यानी एनडीए के संयुक्त प्रत्याशी हैं। डॉक्टर अरविंद राजभर मुद्रासन गांव में भी गए। वहां बबलू सिंह के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी सुभाषपा के कार्यकर्ताओं ने स्वागत करते हुए पूरे गांव में घुमाया और जिताने की अपील किया। मुद्रासन के पूर्व ग्राम प्रधान छत्ती महासभा के अध्यक्ष अनिल सिंह के नेतृत्व में व्यापक जनसंपर्क अभियान संपन्न हुआ। इसी तरह से बसरौता में भी जनसंपर्क अभियान में सभी समाज के सर्व समाज के लोग सम्मिलित थे। जो परिस्थिति है, जिस तरह से ओम प्रकाश राजभर की पार्टी भारतीय जनता पार्टी निषाद पार्टी और अपना दल के कार्यकर्ता एक साथ जुट होकर डॉक्टर अरविंद राजभर के लिए प्रचार प्रसार में अभी से जुट गए हैं, और जब से चुनाव की घोषणा हुई है तेजी आ गई है, उसको देख के लगता है कि इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को, बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी को इस सीट पे कठिन चुनौती मिलने वाली है। इस संबंध में आपके क्या विचार हैं साथियों, आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके बताइएगा। बस साथियों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। हमारे चैनल पे मेहमान हैं, पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। हम इस प्रकार का वीडियो बनाते रहते हैं। थैंक यू वेरी मच।